एक पट्टा ले लिया, मैं हूँ गुब्बर सिंह, इसका एक हाथ मांग लिया। नहीं हेलो गाइस, हमारे पास आ गया है उर के फ्लिपकार्ट से ये हैंडल। हम लोग आज से ये हैंडल से ऐसे वीडियो बनाएंगे रे बाबा, ऐसे ऐसे लड़की लोग पागल हो जाएंगे रे बाबा। इसको मंगाया है, ज्यादा दाम का नहीं है, जस्ट ऑनलाइन में सर्च करो और मिल जाएगा। तो आज हम घर में बैठे बैठे सोच रहा था, रास्ते में जाके ये मिर्ची लेके आया, मेरे ऊपर एक सिलेंस दिया था लोगों ने, तुम ये मिर्ची खा नहीं सकते, लेकिन हम ऐसा मिर्ची लेके आया, मिर्ची का किंग बोलते हैं उसको। इसको हम जो लोग हमारे इस देश में गलत काम कर रहे हैं, लड़कियों के साथ गलत काम कर रहे हैं ना, उसको ऐसी जगह में लगाएंगे, समझ रहे हो आप? तो कोई बात नहीं, हम इसको खाएंगे अभी। कैसा लगा मेरा मजाक? मजाक किया रे बाबा, आज नहीं खाएंगे इसको, हम अचार बनाएंगे अभी। आप लोग देखते जाए कैसे अचार बनाते हैं हम। तो चले शुरू करें, इसको धो लेते हैं पहले, देखते जाओ वो कैसे, इसको धो लेते हैं। गर्म लग के आ सकते हैं ना, इसलिए उसको धो लेना पड़ता है, क्योंकि धो लेने से कपड़ा ही जहर हो जाता है। कभी मेरे घर में आओ, ये बोल रही हूँ। ये हो गया, इसको 2 मिनट के लिए रोड में सुखाना पड़ेगा। ये रोड धोने के लिए, अरे झूठ झूठ झूठ, ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, क्या बोल रहे हैं हमारे यहाँ रूट बोल रहे हैं, ये संडिंग 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 लैंगो संडिंग को नहीं बैठ रहे, दिस इज कॉल्ड माय ओन लैंग्वेज। देखो एक और फल है, ये फल है, ये 2 दिन के बाद इसको भी खाएंगे हम। हाँ, तुम लोग भी आओ मेरे साथ खाने के लिए, 2 दिन के बाद इसको खाऊंगे, मैं खाऊंगे, चैलेंज करता हूँ मैं आप लोगों को। हम लोग गलत जगह पे आ गए, उस तरफ जाना पड़ेगा, वहाँ पे अच्छे से धूप मिल रहा है, क्योंकि शाम होने वाला है, क्योंकि मैंने आने के थोड़ा देर कर दिया, इसलिए इसको उस तरफ लेके जाना पड़ेगा। गाइस, ये तो धान खेती है ना, धान खेती कर रहा है, धान वहाँ धूप नहीं था, इसलिए ये हम लोग पत्थर में आना पड़ा, इसलिए यहाँ पे हम सुखाएंगे उसको थोड़ी देर के लिए। धूप लग रहा है तो भी सुखाएगा, ऐसे करके हम लोग थोड़ा सुखाया पड़ गया, तो भी ये काम हो जाएगा, तो सुखाने तक तब तक हम लोग ओह गिर जाएंगे। ये नेचुरल नेचुरल हमारा जो पत्थर ने, इसको दिखाओ, इसको दिखाओ कैसा नजारा है, इसमें हम लोग खेती करते हैं। तो ये भी नजारा देखिए, ओ शानदार, वाओ, ऐसे में उड़ने का मजा है कुछ अलग है रे बाबा, वाओ वाओ वाओ। दिस इज द नेचुरल ब्यूटीफुल प्लेस इन पोथाव। आप लोग ये खेती करने वाला इतना शानदार नजारा देखिए, नीला नीला आसमान, देखो 2 दिन के बाद यहाँ पे धान रोएगा, क्योंकि ये मिट्टी है ना जो थोड़ा और ढीला होना चाहिए, ज़रा अभी टाइट है, और ढीला होएगा तो फिर ये फूल होगा ऐसे, और यहाँ पे हल मारना पड़ेगा तो भी अच्छा होगा।
वो देखिए इतना अच्छा रहा नजारा। तो क्या हुआ, कल आने में थोड़ा देर हो गया था इसलिए कल रूट नहीं मिला था, इसलिए अस नेक्स्ट डे हम इसको सुबह से रूट में सुखाया है, क्योंकि आजकल बतौर ही ऐसा है ना कि खेती करने का बतौर है, बरसात आता है जाता है, इसलिए हमको कल दिक्कत हो गया, शाम हो गया इसलिए रूट नहीं मिला, इसलिए आज उसको सुबह से सुखाया है शान के सनशाइन में रख कर। तो अभी पूरा सूख गया है, इसको अभी काटना पड़ेगा, टुकड़ा टुकड़े करना पड़ेगा काट कर। तो यह भी इसको रख देते हैं, ये काट कर टुकड़ा टुकड़े कर दिया। और असर बनाने के लिए आप लोगों को क्या चाहिए, ये एक आईने का बोतल चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक में भी आप बना सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक में बनाने से क्या होता है, जो उसको रूट में रखना पड़ेगा ना, जो धूप में रखना पड़ेगा तो धूप में सुखाना पड़ेगा, तो फिर प्लास्टिक का हो तो वो गल जाएगा, क्योंकि वो स्वाद भी नहीं आता। इसलिए हमने ये मिर्ची का असर बनाने के लिए, सिली का असर बनाने के लिए, किंग ऑफ सिली इसका असर बनाने के लिए ये आईने का ले लिया है। और इसको हम बाजार से एक मंगाया है, बोलते हैं इसका नाम क्यों भूल गया रे बाबा, सोरो इसको असर में देना पड़ता है, क्योंकि देने से इसको खराब नहीं होता है। इसको क्या बोल रहे हैं, मुस्टा ओनोकोना, ये हो गया, इसको इसमें हिल गया क्योंकि स्वाद आने के लिए। और यह है सरसों का तेल, तो इसको यूज़ करेंगे, आधा लीटर लेके आया है। अब इसको काटना पड़ेगा टुकड़े टुकड़े करके। तो एक चीज़ भूल गया हूँ मैं, तो कहाँ पर रखेंगे, क्योंकि मैं नेचर में पैदा हुआ तो नेचर चीज़ लेने के लिए जाऊँगा अभी काटने के लिए। एक पत्ता दे दे रहे हमको, मैं हूँ बॉसिंग, एक पत्ता दे दे हमको। नहीं रुक, कहाँ से आते हैं? एक पट्टा ले लिया, मैं हूँ गुब्बर सिंह, इसका एक हाथ मांग लिया, नहीं लेते हैं केले के पट्टा, आ जाओ इसको इसे टुकड़ा टुकड़ा करके। अब लोग असर बनाने में एक चीज ध्यान रहे, कहीं पर पानी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सूखा सूखा होना चाहिए सब, मेरा हाथ भी पानी नहीं है अभी, सूखा सूखा है, ये भी सूखा रहना पड़ेगा, सब कुछ सूखा सूखा करके रखना पड़ता है, तभी तो असर अच्छा स्वादिष्ट टेस्टी हो रहे रे बाबा, टेस्टी खाते है। अभी इसको इस कैंची से हमने उसको टुकड़ा टुकड़ा करेगा, मेरे वीडियो देखने वाले बच्चा लोग आप लोग ऐसे असर बनाने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये कभी भी लग सकता है, क्योंकि हमने ये कैंची से किया है तो दूसरी चीज़ तो आँखों में ऐसे लगा लिया तो आँखों भी खराब हो सकता है। ऐसा होता है, इसको बच्चा लोग ट्राई मत करिए, घर के साथ जो बुजुर्ग है उसके साथ मिलके ये असर बनाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत रिस्क की बात है, इसलिए मैं किमची लेके ये सब कर रहा हूँ। ये जो मिर्ची है ना, ये इसका फ़ायदा क्या होता है कि आप लोग जो हार्ट अटैक आता है, हार्ट अटैक के लिए ये थोड़ा सा नहीं और दवाई जैसा काम करता है, और इसको खाने से हमारा शरीर में ठंड आता है, जो वो गर्मी हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ब्लड का जो सर्कुलेशन है ना वो ठीक से साल काम करना देता है, ऐसा इसमें सी विटामिन होता है। बहुत टाइम के बाद और दो है, ऐसे होने वाला है, लास्ट में हो गए, एक को रात रख देते हैं, रात में कोई आएगा तो उसको ऐसी गलत जगह में लगा दूंगा। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, इसलिए रख देता हूँ इसको, एक ठो ये रख दिया, और ये असर बनाने के लिए ये सब सूखा हुआ है, सुबह से उसको धूप में सुखाया है। तो अभी इसमें थोड़ा सा नमक देंगे, क्योंकि नमक थोड़ा सा ही है, क्योंकि असर बनाने में पूरा हाथ सूखा सूखा होना चाहिए, थोड़ा सा नमक देंगे यहाँ पे,
कि भी उसको खाने में पूरा टेस्ट आ जाना पड़ेगा ना, नमक थोड़ा सा देना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा नमक, तभी थोड़ा सा स्वाद आएगा। थोड़ा सा नमक डाल दिया, थोड़ा सा नमक दे दिया, मिक्स कर देते हैं। वाह, यस स्माइल है रे भाई, सब खाने खाने जैसा लग रहा है। आप लोग कभी ऐसा मिर्ची का असर बनाने बनाओ, और कभी ऐसा मिर्ची ऐसे पकड़ के हाथ में से लग गया तो क्या करना पड़ेगा, तभी आप लोग एक उपाय है उसको करने के लिए, जो दूध है ना, गाय का दूध है, कच्चा दूध है, उसको जहाँ में ये मिर्ची लगता है वहाँ पे उसको लगा ले, दो मिनट के बाद वो ठीक हो जाएगा। ये एक निंजा टेक्निक है, निंजा टेक्निक। तो इसको नमक लगाया, इसके बाद इस भयान में इसको डालेंगे, अभी फूल के लिए तो सूखा होना चाहिए। देखो ये कोई पानी वानी नहीं है, जब पानी रहता है तो ये खराब हो जाता है, इसलिए पानी कोई यूज नहीं करना चाहिए। इसको ऐसे डाल लेते हैं, अभी भयान में ऐसे डाल लेते हैं। ऐसे बहुत टाइम लगेगा, मेरा हाथ डेंजर है, इसे हाथ से ऐसे पकड़ के ऐसे डाल लेते हैं। देखते हैं, खाने के लिए मन कर रहा है, लेकिन इतना मिर्ची खाऊंगा तो मैं शायद मर जाऊंगा, खाना नहीं पड़ेगा। तो मेरे हाथ में मिर्ची लग गया, तो इसको इसमें लगा दूंगा, अभी मेरे एक दोस्त है वो आएगा तो उसको लगा दूंगा। इसको यहाँ पे डाल दिया, इसके बाद ये लेके आया हूँ, इसको मिक्स कर देंगे। यहाँ पे विनेगर है, और यहाँ पे है अपना क्या बोलते हैं, सरसों है, वो जो मिक्स करके रखा है, थोड़ा सा अदरक है, इसको देने से यहाँ पे स्वाद ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए इसको देना पड़ेगा। इसको दे देते हैं यहाँ पे, और ये सरसों का तेल जो हम लोग बोलते हैं मीठा तेल, उसको हम दे देंगे। अभी मीठा तेल को गर्म नहीं किया है, क्योंकि जो मिर्ची है ना, मिर्ची में कभी स्वाद आएगा तो गर्म करेंगे तो स्वाद नहीं आएगा। थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं अभी। ये हो गया चिली का आसार, इसको एक सप्ताह तक धूप में देना पड़ेगा, तो फिर इस आसार को हम खा पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको खा के दिखाऊंगा कैसा होता है आसार। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।